आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर में बड़े ही शानदार पैमाने पर निकला जुलूस ए गौसिया। जगह जगह लोगों ने जुलूस का फूलों की बारिश कर किया शानदार इस्तकबाल। मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले, मुश्किलों में भी सच का दामन थामे रहने वाले, सादगी, इंसानियत और अमन पसंद के साथ जिंदगी गुजारने वाले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें दुनिया गौसे आज़म और गौसे पाक के नाम से ज़्यादा जानती है, इनकी याद में अकीदतमंद लोग हर साल इस्लामिक कैलेंडर 11 रबीउल सानी को 11वीं शरीफ मनाते हैं, जिसके चलते हर साल की तरह इस साल भी शहर ए बीजापुर में 11वीं शरीफ के मौके पर बीजापुर के मशहूर औलिया इकराम में से एक हजरत सुल्तान सैयद शाह अब्दुल रहमान हुसैनी कादरी अरकार दरगाह के जानशीन सज्जादा नशीं हजरत डॉक्टर सैयद शाह तकी पीरा हुसैनी साहब की कियादत में आज 26 अक्टूबर बरोज जुमेरात बीजापुर शहर के सोलापुर नाका से बड़े ही शानदार पैमाने पर जुलूस ए गौसिया निकला, जो शहर के शाहपुर दरवाज़ा से होते हुए चंदा बोड़ी रोड, मिलन बार रोड, महात्मा गांधी सर्कल, मीनाक्षी चौक, हजरत अब्दुल रजाक दरगाह, सेंट्रल बस स्टैंड रोड, अताउल्ला सर्कल, बड़ी कमान, जामिया मस्जिद रोड होते हुए बारगाह हजरत सुल्तान सैयद शाह अब्दुल रहमान हुसैनी कादरी अरकार दरगाह पहुंचा। इस मौके पर अकीदतमंद लोगों ने जगह जगह हजरत अरकार दरगाह के जानशीन सज्जादा नशीं हजरत डॉक्टर सैयद शाह तकी पीरा हुसैनी साहब की गुलपोशी कर फूलों की बारिश करते हुए जुलूस का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया। इस मौके पर बात करते हुए तौफीक बेपारी ने इस जुलूस की जानकारी देते हुए अपने ख्यालात पेश किए। अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो जुलूस का आगाज़ हुआ है, ये जलसा तकरीबन पिछले 14-15 साल से हम लोग ये रैली को निकाल रहे हैं। इसके अंदर कोई हिंदू मुस्लिम कोई जातवाद भेदभाव कुछ भी नहीं है। ये हम शाहपुर दरवाजे से रैली जो निकालते हैं अब गौसे आज़म के नाम से जुलूस है, ये जुलूस अरकाट दरगाह पहुँचेगा। अभी थोड़ी देर में सज्जादा नशीन अरकाट दरगाह के डॉक्टर तकी पीरा साहब किबला यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। वो आने के बाद में यहाँ पे फातिहा खानी होगी शोलापुर नाके पे। फातिहा खानी होने के बाद में यहाँ से ये जुलूस का आगाज़ होगा। यहाँ से ये जुलूस शाहपुर दरवाजे से होता हुआ चंदा बोड़ी, मनियार मस्जिद, मिलन बार, गांधी चौक, मीनाक्षी चौक, बस स्टैंड, बागलकोट क्रॉस, सत्ताउल्ला चौक, जामिया मस्जिद रोड से होता हुआ जामिया मस्जिद के पास अरकाट दरगाह पहुँचेगा। अरकाट दरगाह पहुँचने के बाद में वहाँ पे फातिहा खानी होगी। सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों के लिए वहाँ पे खाने का अहतमाम रहता है। सभी लोग इसके अंदर हर साल हिंदू बोलो मुसलमान बोलो हर जात के हर कौम के लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर ये जुलूस को कामयाब कर रहे हैं। हमारी यही उम्मीद है बीजापुर के आवाम से, इस साल जितनी आवाम आई है इससे अगले साल ज़्यादा आवाम आने की हमारी ऐसी एक गुजारिश, ऐसी एक अपील बीजापुर की आवाम से है। इतना कहता हूँ, मेरी बात खत्म करूँ। मेरा नाम तौफीक बेपारी।
वाले
जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।